Today we will study about the class 8 chapter number 2 linear equations in one variable exercise number 2.3. 2.3 question number 1 solve the following equations take your results. So यहाँ पर हमें कुछ equations दिए गए हैं उसको हमें क्या करना है solve करना है और उसके बाद हमें उसके answer जो भी मिलता है हमें variable x की value यहाँ पर find करेंगे यहाँ पर variable t की value find करेंगे जो भी हमें solution मिलता है उसको हम हमारा रिजल्ट को चेक करेंगे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से. यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 हमें दिया गया है 3x is equal to 2x plus 18. सो यहाँ पर ये जो वेरिएबल x है x वाले टर्म से उसको हम वन साइड लेंगे इक्वल टू की वन साइड यानी LHS या RHS. यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो 3x ये 2x से वो ट्रांसपोज होके LHS की ओर माइनस 2x होगा इज इक्वल टू 18. नेक्स्ट 3x माइनस 2x इज x इज इक्वल टू 18. सो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली 18. सो 18 को हम LHS और RHS में पुट करके हमारे आंसर को चेक करते हैं. LHS क्या है हमारे पास 3x देन 3 मल्टीप्लाई बाय 18 क्योंकि x की वैल्यू में क्या मिली 18. सो 18 3 जा 54. नेक्स्ट RHS क्या है हमारे पास 2x plus 18. तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते 2 into 18 plus 18. सो 18 to the is 36 plus 18. 36 plus 18 is 54. सो यहाँ पर LHS और RHS का आंसर हमें सेम मिला था. That's verified. हमारा आंसर चेक हो गया. LHS is equal to RHS. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5. सो यहां पर वेरिएबल t है उसको हम LHS में ट्रांसपोज करेंगे और कांस्टेंट नंबर को RHS में. सो यहां पर क्या होगा 5t प्लस 3t इधर ट्रांसपोज होंगे सो माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 3 उधर ट्रांसपोज होंगे सो प्लस 3 माइनस 5. रेडी. सो यहां पर 5t माइनस 3t क्या होगा 2t is equal to 3 minus 5. यहाँ पर negative number big है, so minus 2 answer मिलेगा हमें. So t is equal to minus 2 upon plus 2. ये 2 जो है वो variable t के साथ multiply में सामने transpose होगा, so division के अंदर. So t is equal to यहाँ पर 2 और 2 cancel हो जाएंगे, so t is equal to minus 1. So यहाँ पर t is equal to minus 1 मिला, so यहाँ पर हमें answer check करना है. So फर्स्ट LHS इज इक्वल टू क्या हमारे पास 5 इनटू t माइनस 3. सो यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 सो 5 इनटू माइनस 1 माइनस 3. सो 5 वन जा 5 माइनस 5 एंड माइनस 3. सो माइनस 5 एंड माइनस 3 इज माइनस 8. नेक्स्ट RHS फाइंड करते हैं. RHS क्या है हमारे पास 3t माइनस 5. So, यहाँ पर 3 into t की वैल्यू है माइनस 1 एंड माइनस 5. सो 3 बन जा 3 प्लस माइनस माइनस एंड माइनस 5. सो माइनस 3 माइनस 5 एंड माइनस 8. सो LHS इज इक्वल टू RHS. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x. तो यहाँ पर ये जो 3x है उसको यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे सो माइनस 3x हो जाएगा. सो 5x माइनस 3x is equal to यहाँ पर क्या होगा ये प्लस 9 जो है वो सामने ट्रांसपोज होगे सो माइनस 9 प्लस 5. सो 5x माइनस 3x is 2x is equal to माइनस 9 प्लस 5 तो क्या होगा माइनस 4. सो यहाँ पर x is equal to माइनस 4 divided by 2 then 2 to the 4. So x is equal to minus 2. यहाँ पर आंसर वेरीफाई करना है. So LHS फाइंड करेंगे सबसे पहले. So LHS is 5x plus 9. यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं minus 2. So 5 into minus 2 plus 9. 5 to the 10 minus 10 plus 9 is equal to minus 1. Next RHS फाइंड करते हैं. क्या है हमारे पास RHS 5 plus 3x.
So 5 plus 3 into minus 2, then 5 is equal to 5, 3 to the 6 plus minus minus 5 minus 6 is again minus 1. So in our LHS is equal to RHS. Next, fourth number, 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z. यहाँ पर variable z है. So 4z यहाँ पर 2x is a transpose होंगे. So minus 2z. 4z minus 2z is equal to 6. ये plus 3 सामने transpose होंगे. So minus 3. So 4 minus 4z minus 2z is 2z is equal to 6 minus 3 is 6. Then z is equal to 3 by 2. So यहाँ पर इससे LHS क्या हमारे पास 4z plus 3. तो यहाँ पर z की वैल्यू पुट करते हैं in 4 into 3 by 2 plus 3. So यहाँ पर 2 to the 4, then 3 to the 6 plus 3 is equal to 9. Next RHS find करते हैं is equal to RHS क्या हमारे पास 6 plus 2z. So 6 plus 2 into 3 by 2. So यहाँ पर 2 cancel हो जाएगा. So 6 plus 3 is equal to 9. Again यहाँ पर LHS is equal to RHS मिला. So answer is right. Ready? So next example 5. 2x minus 1 is equal to 14 minus x. तो सामने जो x है उसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर लिया. 2x minus x is equal to 14. So ये minus x है इधर ट्रांसपोज होगा. So plus x and minus 1 सामने ट्रांसपोज होगा. So plus 1 is equal to 2x plus x is equal to 3x is equal to 14 plus 1 is 15. Then x is equal to 15 upon 3. So x is equal to 5. 3 by 15. स्टार्ट करते हैं LHS. 2x plus 1, sorry minus 1, then 2 into 5 minus 1. 5 to the 10 minus 1 is equal to 9. LHS क्या होगा? 14 minus x is equal to 14 minus x क्या हमारे पास 5. So 14 minus 5 is 9. Then LHS is equal to RHS. Next example 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7. So यहाँ पर bracket के साथ 3 multiply में सबसे पहले simplification करते हैं example का. So 8x plus 4 as it is 3 into x is 3x, 3 into minus 1 is minus 3, plus 7, 3x transpose करेंगे, so 8x minus 3x is equal to 7 minus 3 is 4, and this 4 is minus 4. Next, 8x minus 3x is 5x is equal to 4 minus 4 is 0, then x is equal to 0. LHS find करते 8x plus 4. So 8 into 0 plus 4 is 0 plus 4 is 4. 8 into 0 is 0. 0 plus 4 is 4. Then RHS is equal to 3 into x minus 1 plus 7. वैल्यू पुट करते हैं x की 3 into 0 minus 1 plus 7. So 0 minus 1 is minus 1. 3 into minus 1 plus 7. 3 1 is 3 plus minus minus 3 plus 7. Then is equal to 4. So LHS is equal to RHS. Next example number 7. X is equal to 4 upon 5 into x plus 10. So यहाँ पर 5 transpose करेंगे. So 5x is equal to 4 into x plus 10. Ready? So 4 को
मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 5x इज इक्वल टू 4 इनटू x इज 4x प्लस 4 इन द 40, 4x यहां पर ट्रांसपोज होंगे, सो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, देन 5x माइनस 4x देन x इज इक्वल टू 40। LHS फाइंड करते हैं, LHS इज x देन 40, x इज इक्वल टू 40। RHS फाइंड करते हैं, RHS क्या है हमारे पास, 4 होल बाय इनटू x प्लस 10, व्हाट इज x, x इज 40, सो 4 अपॉन 5 इनटू 40 प्लस 10 इज 50, सो 4 अपॉन 5 इनटू 50 इन्वाइट इन द 50, सो 10 इनटू 4 इज 40, सो LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट 2x प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3, सो यहां पर 2x प्लस 3 RHS में जो 7x अपॉन 15 है यहां पर ट्रांसपोज करेंगे, सो माइनस 1 7x अपॉन 15 एंड 3 प्लस 1 ट्रांसपोज होंगे, सो माइनस 1, सो यहां पर 3 और 15 का क्या होगा, LCM लेंगे हम, सो 3 और 15 का LCM मिलेगा हमें 15, सो यहां पर डिनोमिनेटर 3 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, सो ये न्यूमरेटर भी क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 5 जा 15, सो 2 5 जा 10x minus 7x is equal to 3 minus 1 is 2. So here that 10x minus 7x is 3x upon 15 is equal to 2. Then 3 by the 15. So x upon 5 is equal to 2. Then x is equal to 2 multiplied by 5 is equal to 10. I'll just find that the क्या 2x प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 1, तो यहां पर 2 इनटू 10 अपॉन 3 प्लस 1, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, और अपॉन 1 भी लिख सकता हूं, सो 1 एंड 3 का एलसीएम लेंगे, नेक्स्ट 10 टू द 20 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3, सो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो न्यूमरेटर भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई, देन 3 वन जा 3, 20 प्लस 3 वन जा 3, सो 23 अपॉन 3। आरएचएस फाइंड करते हैं, क्या 7x प्लस 7x अपॉन 15 प्लस 3, x की वैल्यू पुट करते हैं, 7 इनटू 10 अपॉन 15 प्लस 3, 10 7 जा 70 अपॉन 15 प्लस 3, यहां पर 3 5 जा और 14 5 जा 70, 10 14 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 1 और 3 का एलसीएम क्या मिलेगा हमें 3, सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये न्यूमरेटर भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई, 10 14 प्लस 3 3 जा 9, 14 प्लस 9 इज 20 3 upon 3. Here LHS is equal to RHS. Next example, 2y plus 5y 3 is equal to 26 upon 3 minus y. So यहाँ पर 2y minus y transpose होंगे, so plus y is equal to 26 upon 3, 5 by 3 transpose होंगे, so minus 5y 3. Here 2y plus y is 3y is equal to denominator are same, then LCM is 3, so 26 minus 5, then 3y is equal to 26 minus 5 is equal to 21 upon 3, then 3 7 the 21, here y is equal to 7 upon LHS फाइंड करते हैं, 2y plus 5y 3
y की वैल्यू पुट करके 2 into 7 upon 3 plus 5 by 3, 7 to the 14 upon 3 plus 5 upon 3, denominator are same, then LCM is 3, 14 plus 5, 14 plus 5 is 19 upon 3. RHS find करते हैं यहाँ पर 26 upon 3 minus y, 26 upon 3 as it is minus y की value 7 by 3, denominator are same, then LCM is 3, 26 minus 7, 26 minus 7 is again 90 upon 3, then LHS is equal to RHS. Last example, 3m is equal to 5n minus 8 upon 5. So 5n transpose होंगे, so 3m minus 5n is equal to 8 upon 5, so minus 8 upon 5. So 3m upon minus 5m is equal to minus 2m is equal to minus 8 upon 5. Minus minus cancel, then m is equal to 8 upon 5 into 2, यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई में सामने ट्रांसपोज होंगे, सो डिवीजन में, सो 2 4 जा 8, देन n इज इक्वल टू 4 upon 5. LHS फाइंड करते हैं आंसर चेक करने के लिए, क्या है 3m, LHS है हमारा 3m, देन 3 into m की वैल्यू क्या है 4 upon 5, सो 4 3 जा 12 upon 5. RHS चेक करते हैं 5m minus 8 upon 5, so 5 into m is 4 upon 5 minus 8 upon 5, 5 goes up 20 upon 5 minus 8 upon 5, ready, so denominator are same, then LCM is 5, 20 minus 8 is equal to 12 upon 5. तो यहाँ पर हमने 5 कैंसिल क्यों नहीं किए, कि अगर कैंसिल करते थे फिर से LCM लेने के वजह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता, सो 12 upon 5 LHS और RHS, then LHS is equal to RHS. तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट होती है हमारी।